अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमीरपुर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त दीपश्वेता बनिक ने शिरकत की। इस अवसर पर जिला की 9 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए रस्सी कस्सी, म्यूजिकल चेयर, जलेबी रेस, मटका फोड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिला दिवस पर सम्मान मिलने पर शीतल वर्मा ने कहा कि आज का दिन बहुत गौरव का दिन है और आज उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा पल है। उन्होंने कहा कि समाज की तरफ से सम्मान मिलना खुशी की बात है। इम्पोर्टेंट डे है हर एक महिला के लिए, क्योंकि इस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए, अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए। और आज मुझे भी सम्मानित किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। क्योंकि एक महिला के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत खुशी का पल रहता है जब हमें इस तरह से हमारे काम के लिए सोसाइटी की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। क्योंकि जब किसी भी इंसान को या किसी भी नारी को या किसी भी इंसान को कह लीजिए इस तरह से समाज की तरफ से अप्रिशिएशन मिलती है, उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन रहती है ताकि वे समाज में और अच्छा काम करें और दूसरी महिलाओं के लिए भी कि वे भी आगे आएं और समाज के लिए अलग से और अच्छा काम करें। लगातार 3 बार से ग्राम पंचायत दड़ूही की प्रधान उषा बिरला ने कहा कि एक दौर में महिलाएं 4 दीवारी के अंदर ही थी, लेकिन आज नारियों को पूरा सम्मान मिल रहा है, जो कि बहुत गर्व की बात है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमें सम्मानित कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि एक टाइम था तो महिलाएं घर के 4 दीवार तक सीमित होती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे वो खेलकूद का हो, हर क्षेत्र में जो वो नारी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, आगे आ रही है। तो इसके लिए अगर आज के दिन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसके लिए मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लें, घर से बाहर निकलें और समाज और देश में अपना एक नाम बनाएं, एक पहचान बनाएं। CWC चेयरपर्सन देखा ने महिला दिवस पर सम्मान मिलने पर जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि आज नारी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे आना चाहिए। और सबसे पहले मैं सभी अपनी बहनों को, माताओं को और बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आगे भी नारियां जैसे हर क्षेत्र में अपना एक अच्छा रुतबा बना के चली आ रही है। आज नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, चाहे हमारे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ आज हमारे 8 जजेज हैं और वहाँ 5 महिलाएं जो हैं वो प्रेजेंटली एज ए जुडिशियल ऑफिसर्स वहाँ कार्य कर रही हैं। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी सभी बहनों से अपील करती हूँ कि भविष्य में भी अपनी अच्छी पहचान बनाएं और अच्छा काम करने की कोशिश करें और एक अलग से अपनी पहचान बनाकर समाज के लिए कार्य करें। उपायुक्त दीपश्वेता बनिक ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोविड के दौरान अच्छी सेवाएं देने के साथ साथ खेल, शिक्षा या अन्य जगहों पर बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर वक्त काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखती हुई महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्य किया है या कोई अचीव किया है इस पूरे दौर में और कोविड में भी अपनी सेवाएं अच्छी दी हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे कलाकार जो युवा कलाकार हैं उन लोगों को भी हमने देखा, पीछे लघु नाटिका के तौर पे उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के बारे में संदेश दिया। इसके साथ साथ अलग अलग विभिन्न सरकार की स्कीमों के बारे में भी जो है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने बहुत ही भव्य कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही कुछ ऐसी हमारी यंग अचीवर्स हैं जिनके बारे में भी हम लोगों को जो उनका कार्यक्रम देखने का
मौका मिला, हमारी सुजानपुर से ही ताल्लुक़ रखती हुई निधि डोगरा हैं जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है योगा में, तो उनका भी कार्यक्रम हमें देखने को मिला। इस तरह की विभिन्न ऐसी गतिविधियाँ जिसमें महिलाएँ जो हैं हमारा ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जो है बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उन सभी को जो है आज हम सम्मानित करेंगे। इसका जो थीम है वो यूएन द्वारा जो घोषित किया जाता है हर साल, इस बार का थीम है चूज़ टू चैलेंज। इसका मतलब कि हम जहाँ पे हैं वहाँ से वहाँ तक जो है सिर्फ संतुष्ट ना रहें, हम खुद अपने आप को हमारे समाज में ऐसी जो विचारधाराएं हैं जो महिलाओं को पीछे रखती हैं, तो हमारी खुद की ऐसी विचारधाराएं हैं जो मन में ऐसी हमारे द्वेष हैं या मन में इस तरह के डाउट्स हैं, उनको भी हम चैलेंज करें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महिलाएं लड़कियां जो हैं वो हासिल नहीं कर सकती, और हम जब तक जो अपनी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करते रहेंगे तब तक हम और आगे जाते रहेंगे। तो यही मैं संदेश सभी महिलाओं को देना चाहूँगी। मैं मनोरमा लखनपाल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर हूं। मैं आज के दिन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं, हार्दिक बधाई देती हूं, जिनके लिए आज का दिन भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देती हूं। धन्यवाद।